हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज की छोड़ों में हम आपको बताने वाले हैं कि गूगल क्रोम के डिलीट हुए वीडियो को वापस कैसे लाएं, कैसे रिकवर करें, वो भी 100% सही तरीके से। तो गाइस, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले क्या करना है, चलिए हम अपने फाइल मैनेजर में चलते हैं जहाँ पर वीडियो आता है, और फिर चलते हैं इंटरनल स्टोरेज या फ़ोन स्टोरेज में। फिर यहाँ पर इस फोल्डर में देखिए, डाउनलोड वाले फोल्डर में, और यहाँ पर देखिए दो मूवी है या फिर वीडियो आप कह सकते हैं, कोई भी वीडियो हुआ आपको। देखिए जैसे आप यहाँ से डिलीट करते हैं, इस प्रकार देखिए मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर डिलीट का एक ऑप्शन है, डिलीट पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर दो ऑप्शन मिलते हैं, परमानेंट डिलीट और मूव टू ऑल आइटम रिसेंटली डिलीटेड। तो गाइस, अगर आपने परमानेंटली डिलीट पर क्लिक किया होगा वीडियो डिलीट करते वक्त, तो यहाँ से परमानेंट डिलीट हो जाता है। लेकिन अगर आपने यहाँ पर क्लिक किया होगा मूव ऑल आइटम टू रिसेंटली डिलीटेड, तो यहाँ पर वापस आ जाएगा। आप एक देखिए, अगर दूसरे स्थान से भी डिलीट करते हैं तब भी वापस आएगा। पहले यहाँ से मैं बता रहा हूँ, फिर एक और जगह से बताऊँगा। तो पहले यहाँ से देखिए मैं डिलीट करता हूँ रिसेंटली डिलीटेड पर। अगर अब से गाइस कभी भी डिलीट करना तो रिसेंटली डिलीटेड से ही डिलीट करना, ताकि आप बाद में वापस ला सकें। परमानेंट डिलीट करना रहेगा तो आप परमानेंट भी कर सकते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं वीडियो डिलीट हो चुका है, यहाँ पर कोई वीडियो नहीं है। अब हम आते हैं बैक। अब अगर वापस लाना है तो क्या करना है, देखिए फाइल मैनेजर में जाना है। अगर आपको वापस लाना है तो डिलीट कर दिए हैं, तो फिर रिसेंटली डिलीटेड वाला ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा, आप अपने फ़ोन में चेक करना मिलेगा। अगर आपका फ़ोन अपडेट नहीं है तो हो सकता है आपके फ़ोन में ये फीचर ना हो, लेकिन अपडेट अगर हो जाएगा या फिर अपडेट है तो ये वाला ऑप्शन मिल जाएगा, या फिर आप चेक करना अपने फ़ोन में मिलेगा यह ऑप्शन। आपको रिसेंटली डिलीटेड पे क्लिक करना है, और यहाँ पर जो जो वीडियो डिलीट किए रहेंगे सब यहाँ पर आ जाएंगे। अब वापस लाने के लिए यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। अगर बहुत सारा वीडियो है तो ऊपर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो मार्क लग जाएगा ऑल पे। फिर यहाँ रिकवर का एक ऑप्शन है, रिकवर पर क्लिक करना है, फिर रिकवर ऑल पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे वीडियो वापस आ जाएगा। चलिए हम आपको दिखाते हैं, फ़ोन स्टोरेज में चलते हैं, और अब चलते हैं इस फोल्डर में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों वीडियो वापस आ चुके हैं। इस तरीके से आप भी वापस ला सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। और गाइस, अगर देखिए यहाँ से तो वापस ला सकते हैं, अगर आपने मोबाइल के गैलरी से डिलीट कर दिया है तब भी आप वापस ला सकते हैं। चलिए आपको बताते हैं। तो गाइस, गैलरी को हम ओपन करते हैं, इस प्रकार ओपन होगा। आपको यहाँ एल्बम पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर पहले हम वीडियो डिलीट करते हैं प्रूफ के लिए, और यहाँ पर चलते हैं, देखिए दो वीडियो यहाँ से डिलीट कर देते हैं। सेलेक्ट किया हमने, फिर यहाँ देखिए यहाँ पर है डिलीट, और डिलीट ऑल आइटम कर दिया हमने। डिलीट देखिए हमने कर दिया। अब वापस कैसे लाएंगे, आपको यहाँ पर बीच में एल्बम पे क्लिक करना है। ध्यान रहे गाइस, यहाँ फ़ोटो पे क्लिक रहेगा, आपको क्लिक करना है एल्बम पे, या अगर एक्सप्लोर पे क्लिक है तो उस तरह करेंगे स्लाइड तो आप आ जाएंगे एल्बम पे। फिर यहाँ पर आपको रिसेंटली डिलीटेड का एक ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना है, और जो वीडियो आप डिलीट किए रहेंगे यहाँ पर मिल जाएगा। आप इसे सेलेक्ट करके, जैसे सेलेक्ट किए थे हम, फिर नीचे रिस्टोर पे क्लिक करेंगे, फिर रिस्टोर कर देंगे तो यहाँ पर वीडियो वापस आ जाएगा, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखिए गाइस, वापस आ चुका है। इस तरीके से गाइस आप काफ़ी आसानी से ला सकते हैं। तो आज के बस इतना ही, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू।